पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर एक्शन शुरू हो गया है। लखीमपुर में महिला से बदसलूकी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीओ और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। दोनों ही अधिकारियों का सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता से बदसलूकी के आरोप में बीजेपी सांसद रेखा वर्मा का रिश्तेदार भी गिरफ्तार किया गया। बता दें कि यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर राजनीति गर्म है। कल यूपी में कई जगहों पर हिंसा हुई। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से बदसलूकी भी की गई। आज हिंसा को लेकर कार्रवाई की जा रही है। महिला से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने यश वर्मा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। यश वर्मा बीजेपी सांसद रेखा वर्मा का रिश्तेदार है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है, पंचायत के चुनावों में भाजपा पूरी तरह हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भाजपा ने अपने गुंडों को सड़कों पर छोड़ दिया और पूरा चुनाव लूट लिया है। जिला पंचायत में जो कुछ किया उससे भी एक कदम आगे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में निकल गए। सूरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सूरज, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता से बदसलूकी के मामले में जो कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इससे संबंधित? जी देखिए, ये ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव काफी सुर्खियों में रहा है। आपको बता दें कि ब्लॉक परिषद में नामांकन के दौरान लखीमपुर में कल बृहस्पतिवार को सपा समर्थित महिला प्रत्याशी ऋतु सिंह और उनकी प्रस्तावक से पुलिस के सामने बदसलूकी की गई। ऋतु ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाया है। कुछ आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा की सांसद रेखा वर्मा पुलिस की मौजूदगी में उन दोनों के कपड़े फाड़ दिए। घटना के बाद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे, मुआयना किया। डीएम ने इस मामले पर पूरी संयुक्त जांच बैठा ली है। एक युवक नामांकन कक्ष से फाइल ले जाते हुए कैमरे में कैद हुआ है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र अधिकारी और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का निर्देश देते हुए पुलिस का दावा है कि महिला से बदसलूकी करने वाला युवक, जो कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, बाकी अन्य लोगों की तलाश जारी है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।